आज हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3.2 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है ए बी सी डी करके। तो ए नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो मिली मीटर पर सेकंड के एवज में होता है, तो फिर स्विच ऑन करते ही तुरंत कैसे ही बल्ब जल जाता है। जैसे हम लोग स्विच यहाँ पर ऑन किए, यहाँ स्विच ऑन किए, तुरंत ये बल्ब जल गया, इतना जल्दी क्यों? तो अच्छा देखा जाए, इसका कारण ये होता है कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक आएगा वो लाइट की स्पीड से चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से एस्टैब्लिश होता है। जैसे इसी चीज़ को जूम करके यहाँ पर दिखाएं, ये जो वायर है तो वायर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइट की स्पीड से, एकदम बिल्कुल लाइट की स्पीड से क्या होगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइट की स्पीड से एस्टैब्लिश होगा, और जिस वजह से क्या होगा, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, इस पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, और चाहे ये इलेक्ट्रॉन भी है तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, और सब पर एक साथ, यानी कि तुरंत लाइट की स्पीड से तुरंत ये क्या होता है फैला। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हो, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में खिसकेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में खिसकेगा तुरंत एक साथ, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एकदम क्या एक ही इंस्टेंट पर कह सकते हैं, तुरंत जैसे स्विच ऑन किए तुरंत इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कह सकते हैं ना, कि तुरंत लाइट के रफ्तार से तुरंत इसको भी मिला और इसको भी मिला, तो ये भी उल्टा डायरेक्शन में इधर मूव करेगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में ये भी मूव करेगा। तो ये और ये सब मान लो एकदम तुरंत ही होता है ना, लाइट के रफ्तार से एकदम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के रफ्तार से फैला, तो इसको भी खिसकाया, इसको भी खिसकाया ना। यहाँ पर भी समझ सकते हैं, स्विच ऑन किए, यहाँ पे स्विच ऑन जैसे ही किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत फैल गया, तो लाइट की रफ्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पर भी तुरंत इधर फोर्स लगना शुरू हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन पर भी तुरंत इधर फोर्स लगना शुरू हो गया, क्योंकि लाइट की रफ्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड गया है उधर। इस वजह से क्या होता है, तुरंत स्विच ऑन करने से क्या होते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन सर्किट में का जितना इलेक्ट्रॉन है ना, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया सबको। तो चाहे यहाँ का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे यहाँ का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे यहाँ का इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, तुरंत ही घूमना स्टार्ट कर देता है। लाइट के रफ्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा और वही हरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हिला देता है, समझे। बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन सब पर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से ये उधर एक्सेलरेट होता है और इसी एक्सेलरेशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन सब में ड्रिफ्ट वेलोसिटी उधर आता है। तो जब ऐसा है तो एक्सेलरेशन तो हमेशा रफ्तार को क्या करता है, बढ़ाता है, तो इसका रफ्तार तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि इसका स्पीड कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग, तो क्या रफ्तार लगातार बढ़ता जाना चाहिए। तो फिर एक कांस्टेंट रफ्तार यानी कि एक स्टेडी रफ्तार हम लोग क्यों लेते हैं, स्टेडी स्पीड क्यों लेते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत अपना रफ्तार इंक्रीज करता है, करते 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 जाता है, फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन वगैरह से किसी से टकराता है, और टकराने के बाद फिर इसका स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अपना रफ्तार को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, तो फिर रफ्तार को बढ़ाया 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 जाके फिर दूसरा से टकरा गया, ठीक है, टकराया, फिर क्या होता है, रफ्तार उसका घटा, फिर गया, फिर एक्सेलरेट किया रिलैक्सेशन टाइम तक, फिर एक्सेलरेट करता है, करते 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 रफ्तार थोड़ा सा बढ़ाया, फिर टकराया हुआ किसी पॉजिटिव आयन वगैरह से या इलेक्ट्रॉन वगैरह से, लैटिस वगैरह से टकराता है, टकरा करके फिर क्या होता है, इसका रफ्तार गिरता है, फिर उठता है। तो क्या होता है कि बार बार जो इलेक्ट्रॉन का जो रफ्तार है, ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जो स्पीड होता है एक्सेलरेशन की वजह से, फोर्स की वजह से, वो रफ्तार कैसा है, पहले बढ़ा था देर, फिर टकराया किसी से, तो रफ्तार फिर क्या हो गया, डाउन, फिर रफ्तार अपना बढ़ाया, फिर क्या हो गया, टकराया, फिर रफ्तार डाउन, टकराया, फिर रफ्तार बढ़ाया थोड़ी देर के लिए, फिर टकराया, फिर क्या हो गया, स्पीड उसका डाउन हो गया। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चूंकि लगातार जो है स्पीड मेरा बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसलिए हम लोग को ऑन एन एवरेज एक स्पीड लेना पड़ जाता है, क्योंकि हर अलग अलग समय पे स्पीड तो अलग अलग है, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इसका अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक औसत स्पीड लेना पड़ता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से जानते हैं, वो एवरेज स्पीड होता है मेरा। सी नंबर में ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम होता है और क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत कम होता है, तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फिर कैसे मिल जाता है, बड़ा बड़ा अमाउंट में करंट फिर इतना ज़्यादा अमाउंट में कैसे मिल जाता है, वायर भी तो बहुत पतला ही रहता है, वायर भी पतला रहता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहता है, कम, तो ये सब कम होने के बावजूद भी हमको करंट क्यों ज़्यादा मिलता है। तो करंट ज़्यादा मिलने का कारण ये होता है क्योंकि वायर में
क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नाम से जानते हैं, वही एन मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि कहते हैं कम से कम एक मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर ले ले उस वायर का, एक मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो उसमें कम से कम 10^29 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बहुत ज़्यादा हाई होने के वजह से करंट भी हमको क्या मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। भले ही ये सब कम रहे लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होने से हमको करंट ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहता है थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम में भी, इसी वजह से हमको करंट ज़्यादा मिलता है। डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई किए हुए हैं, तो हम लोग तो इतना जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ मूव करता है, तो क्या जितना भी इलेक्ट्रॉन है वायर में हर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा क्या, एक ही दिशा होगा क्या? तो एक बात सुन लिया जाए कि ये औसतन सब लोग उस तरफ खिसकता है, लेकिन ऐसा होता है कि ये कुछ इस तरीके का मोशन भी कर रहा होता है और साथ ही साथ उधर भी खिसक रहा होता है, ये भी है, तो इधर 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 मोशन भी कर रहा होगा, कर रहा होता है थर्मल कहते हैं एनर्जी की वजह से, और साथ ही साथ थोड़ा उधर भी खिसक रहा होता है, ये भी है, तो थोड़ा इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी वाइब्रेशन भी होते रहता है, और साथ ही साथ क्या होता है उधर भी खिसकता रहता है, तो दोनों काम एक साथ होता रहता है। तो अभी ये मान लो क्या होता है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लोगे तो क्या होगा, इधर भी है, इधर भी है, नेट कुछ और हुआ, अच्छा इसका क्या है, इसका भी क्या होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो नेट क्या कुछ और हुआ, लेकिन इतना है कि क्या कहते हैं सब लोग क्या होता है उस दिशा में औसतन तो खिसकता है, एवरेज रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का उस दिशा में होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ एवरेज होता है, लेकिन सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा ऐसा नहीं है, औसतन डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि औसतन जो है एवरेज सब लोग उधर खिसक तो रहा है, लेकिन सब अपने आप में क्या होता है, सबका डायरेक्शन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, सब रेंडम होता है, रेंडम होता है, इसका भी ऐसे 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 कर रहा है लेकिन उधर खिसक रहा है टोटली, ये भी इधर 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 हो रहा है लेकिन जा रहा है उधर ही, तो ऐसा नहीं है आप बोल सकते कि क्या सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, हाँ औसत डायरेक्शन सबका एक तरफ होगा, सब जो औसतन रूप से उधर खिसक रहा होगा ये बात सही है, लेकिन सब अपने आप में जैसे जैसे इस इंस्टेंट पर ये इधर खिसक रहा है, ये इसका डायरेक्शन इधर है, अच्छा ठीक है, और खिसक भी उधर ही रहा है, ये क्या है उधर है लेकिन फिर भी खिसक उधर रहा है, तो ये थर्मल एनर्जी की वजह से इसका डायरेक्शन ऐसे 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 करता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन का देखो वेलोसिटी कैसा होगा, समझ रहे हो बात किस तरीके का कह रहे हैं, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या कहते हैं ऐसे करके, ये क्या है ऐसे जा उधर रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन, समझ रहे हो बात, इसका भी क्या कहते हैं जा किधर रहा है उधर ही रहा है, तो जाना है लो से हाई की तरफ जाना है लेकिन डायरेक्शन देख रहे हो किस तरीके का, ये इधर जिधर मुड़ा रहेगा उधर डायरेक्शन होता है इसका, समझ रहे हो ना बात किस तरीके का चीज है, गोल चीज है लेकिन फिर भी इस तरीके का ऐसे 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 उधर करते रहता है, तो सब रेंडमली क्या होता है वाइब्रेशन वगैरह होने की वजह से लो से हाई की तरफ मूव तो करता है लेकिन रेंडम मोशन भी परफॉर्म करते रहता है, इस वजह से सबका डायरेक्शन को अगर आप बोलोगे कि हर एक इंस्टेंट पे सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है ऐसा नहीं बोल सकते, एवरेज डायरेक्शन एक तरफ है बस। हाँ ई नंबर में हम लोग बात करते हैं, ई नंबर में कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, इन दोनों कंडीशन में बताइए कि कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका पाथ किस तरीके का होगा, उसका मोशन का पाथ किस तरीके का होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहता है तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं जिग जैग पाथ पर क्या आते हैं मोशन करता है, कैसा पाथ पे, जिग जैग पाथ पर क्या करता है मोशन करता है, तो जिग जैग पाथ पे मोशन करता है तो देखो तो आप क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक गया तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, फिर यहां से यहां तक जैसे गया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक अगर गया तो ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक भी गया तो क्या है स्ट्रेट लाइन, इधर भी गया तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट स्ट्रेट और क्या है स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा कैसा चलता है स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन पर सीधा एकदम लीनियर मोशन करता है, हाँ भले ही डायरेक्शन चेंज करता हो लेकिन मोशन हमेशा कैसा रहता है लीनियर, तो यहाँ पे क्या आते हैं स्ट्रेट लाइन क्या आते हैं या फिर स्ट्रेट पाथ पर चलता है ना, क्या स्ट्रेट पाथ पर चलता है सीधा लाइन पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हम लोग जानते हैं फोर्स किधर लगता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स क्या होगा इधर लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाह रहा है
जिगजैग पाथ पे अगर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करते समय, कहते जब अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा होगा उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर फोर्स लगता है, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना इलेक्ट्रॉन के, तो जो ऐसे जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन उसको थोड़ा सा फोर्स तो इधर महसूस होगा, तो इधर जाना तो चाहेगा लेकिन साथ ही साथ ये क्या होगा, इसका इधर भी क्या होगा, फोर्स लगेगा इधर भी, तो जो इधर मोशन करना चाहेगा तो उसको क्या होगा, इधर भी फोर्स महसूस होगा, तो थोड़ा सा कर्व पाथ हो जाएगा इसका। अच्छा ठीक है, अगर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है अगर मान लो ऊपर जाना चाह रहा है वाइब्रेशन में, थर्मल एनर्जी की वजह से जब वाइब्रेट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाह रहा होगा तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर फोर्स लगेगा और उसके वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं, तो इसलिए कहते हैं इस पर क्या होगा, कर्व पाथ होगा यहाँ पर। और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कैसा पाथ रहेगा इसका, कर्व पाथ। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं अगर इधर जिगजैग मोशन के दौरान इधर जो जाना चाह रहा होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट इधर फोर्स लगेगा और इसका रफ्तार उधर की तरफ क्या हो जाएगा, स्लो डाउन होगा इधर आने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इधर ही अगर क्या कहते हैं जिगजैग मोशन में इधर ही जो जाना चाह रहा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से इधर उसका रफ्तार बढ़ेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इधर जाना चाह रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उसको इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर फोर्स लगेगा के उल्टा डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा सा इधर ड्रिफ्ट महसूस करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्व पाथ होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और भी एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप क्या कहते हैं प्लेलिस्ट वगैरह को मेरे विजिट कर सकते हो, और क्या कहते हैं प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। थ्योरी वगैरह के लिए भी आप क्या कहते हैं मेरे प्लेलिस्ट वगैरह को चेक कर सकते हो। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना है और बाकी लोगों को भी शेयर जरूर करना है।